फिरोजाबाद में आज सर्व समाज के लोगों ने एकत्रित होकर एक प्रेस वार्ता बुलाई, जिसका मुख्य उद्देश्य था माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद लाउड स्पीकरों पर लगाम लगाने वाले आदेश का समर्थन करना। उनका कहना है कि जो प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश को संज्ञान में लेते हुए लाउड स्पीकरों पर लगाम लगाने के लिए आदेश दिए हैं, उनसे वो पूरी तरह से इत्तफाक रखते हैं। और उनका कहना है कि इस प्रकार का आदेश समाज की भलाई के लिए है, न कि इसे किसी धर्म विशेष से जोड़कर देखना चाहिए, बल्कि समाज की बेहतरी से जोड़ने वाला एक आदेश देखकर इसका पालन करना चाहिए। इस प्रेस वार्ता में हिंदू युवा वाहिनी के सदस्य एवं मुस्लिम संगठन के सदस्य आदि सभी मौजूद रहे। फिरोजाबाद से सरा सिंह, SKH न्यूज। सर, ये पत्रकार वार्ता रखी है आपको किस उद्देश्य से? ये अभी वर्तमान में सरकार ने एक निर्णय लिया हुआ है, जो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने दिशा निर्देश दिए थे लाउड स्पीकरों के संबंध में। चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो या जनसभाएं हो, उसमें एक मानक रखा हुआ था उच्च न्यायालय हाई कोर्ट ने। तो उसके दिशा निर्देशों के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने जो निर्णय लिया हुआ है, जिसमें कुछ विवादित बयान भी आ रहे हैं, कुछ के हमारे मस्जिदों के लिए कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, तो विवादित बयान न होते हुए किसी एक पार्टिकुलर एक के लिए किया जाता तो सही गलत था, लेकिन वो सभी के लिए किया हुआ है। और इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जानकारी दे दूं, ये पहले भी माननीय उच्चतम न्यायालय दिशा निर्देश दे चुका है, अपनी गाइडलाइंस दे चुका है कि इनका वॉल्यूम कितना होना चाहिए। वो किसी एक पार्टिकुलर ना मंदिर है ना कोई मस्जिद है, वो प्रत्येक जगह पर इनकी आवाज़ को चिन्हित किया गया है। अगर कोई प्रयोग भी करता है इनको, तो वो उसके लिए स्वीकृति लेगा, जिला अधिकारी महोदय से स्वीकृति लेगा कि हमें ये कार्यक्रम करना है। लेकिन कुछ सरकारें थीं जो वोट बैंक की राजनीति करती थीं, इस वजह से इस निर्णय पर कोई भी कार्य नहीं हुआ था। और हम धन्यवाद देते हैं आपका, काजी साहब का, जो आपने सरकार के निर्णय को स्वीकार किया हुआ है। सरकार निर्णय सरकार का यह दिशा निर्देश माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने जो निर्णय लिया हुआ है, उस निर्णय का आप स्वीकार कर रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं, इसके लिए हम आपका भी धन्यवाद देते हैं। और हमारा प्रयास ये है कि भविष्य में भी कोई ऐसी टीका टिप्पणी नहीं हो जिससे कि कम से कम दो समाज में द्वेष भावना फैले, बस यही हमारा कहना। इसी संबंध में आज हम लोग, मैं बताऊँ शहर गाजीपुर शाहिया देवी और हिंदू जागरण मंच के जिला महामंत्री अमित गुप्ता जी, हिंदू वाहिनी के जिला उपाध्यक्ष संजय प्रताप सिंह मुकेश जी और तमाम हमारे साथी, हम लोग गंगा जमुनी तहजीब का एक सबूत देते हुए यहाँ बैठे हैं और अब सभी धर्म के लोगों को, जिम्मेदारों को ये बताना चाहते हैं कि हमें इस फैसले का स्वागत करते हैं। किसी तरह की इसमें कोई लिबास नहीं है और हम चाहते हैं कि 15 जनवरी प्रशासन को, दिल्ली की सरकार ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को आयत कर दिया है 15 जनवरी तक परमिशन दें। सभी मंदिर मस्जिद के उलमा हजरात और इमाम और जिम्मेदारान सभी धर्मों की इसका पालन करें, यही मेरा दरख्वास्त है। किस तरह का फैसला मानते हैं न्यायालय का? बहुत अच्छा फैसला है और मैं कहता हूँ तो सही मायनों में मंदिर और मस्जिद किसी भी तरह की धार्मिक स्थलों में कोई भूमि प्रदूषण नहीं होता, मेरा मानना ये है। लेकिन इसकी आड़ में तमाम लोग धार्मिक स्थल बता के दिन भर अपना करते रहते हैं, अच्छी बात है करें। लेकिन अब जैसे मान लीजिए कि हिंदू क्षेत्र में अगर मंदिर है तो वह दूसरा समुदाय भी रहता, लेकिन उन्हें भी आपस में हमें भी है। मुसलमान समाज में अगर जहाँ हिंदू पॉपुलेशन नहीं है वहाँ हो रहा है नमाज 10 मिनट की, पूजा 10 मिनट इतनी होता है, तो उसमें बुराई क्या है अगर हम परमिशन लें? अजान वैसे भी होती थी, अजान परमिशन के बाद भी होती थी, घंटा पहले ही बजता था, परमिशन के बाद भी बजेगा, तो इसमें कोई बर्दाश्त नहीं होती। और जो सामाजिक सियासी हल्कों में एक तरह से हलचल थी उसको हम विराम देने की कोशिश करें। न्यायालय के इस फैसले से पब्लिक में किस तरह इस फैसले पर जाए? देखिए, जनता को किसी समुदाय की हो हलचल तो रहती है, क्योंकि वो अपने रहनुमाओं की गाइडलाइन पर चलती है, उनकी ही बताए हुए रास्ते पर चलती है कि आखिर हमें करना क्या है क्या नहीं करना। इसलिए हम लोग यहाँ आए, किसी तरह की विवाद नहीं है। हाँ, हलचल थी, इसीलिए हम लोगों ने बेहतर समझा कि हम आएँ
और पब्लिक के बीच में इस बात को आप लोग पत्रकारों के जरिए इस बात को आवाम के बीच रखें ताकि परमिशन लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर धार्मिक स्थलों पर परमिशन दिया जाए।